ये फटा हुआ है तुम्हारा ये कि गिरे हो? नहीं फटा, ये तो देख के लग रहा है गिरा है यार। स्टाइल काट दिया। स्टाइल अपने से काटे हो? अरे तो इसका सुरक्षा के लिए है ये। हाँ सर बोल रहे हो, पहना मत रखो। दुल्हा हो? नहीं। हाँ भाई हो? दुल्हा का भाई। तुम दुल्हा का भाई हो तो इसीलिए तो टसन में हो क्या? नहीं नहीं। हाँ फिर वैसे लगा फालतू जैसा, ठीक से लगाओ, पहले सीट बेल्ट लगाओ, उसको सिखाओ पहले सीट बेल्ट लगाओ। दूल्हा भाई तुमको ज्यादा सुरक्षित रहना है, फिर वैसे कर रहे हो, इतना भी पता नहीं तुमको। इसको ढंग से लगाओ। हाँ गाड़ी लगाइए उधर, हेलमेट जल्दी जल्दी फटाक से जाइए घर और हेलमेट लेकर आइए। बिना हेलमेट गाड़ी नहीं जाएगा, चलिए वहाँ लगाइए आराम से। सब कुछ ठीक है जनाब, लेकिन जो ये रखे है ना इसको, इसको बैग को या तो पीछे रखिए या पीछे बांधिए भी उतर के। तुम ड्राइवर हो ना? हाँ मालिक भी हो? अरे तो समझाओगे ना यार, क्या हाँ हाँ कर रहे हो? लगाए थे फ्रूट लेने के लिए। फिर फालतू की बात बता रहे हो, इनको पता नहीं है सीधे बैठे यहाँ पे? नहीं पता है ना, चश्मा लेना तो भूले नहीं, तुम दो दो चश्मा लेके चल रहे हो। मैडम का है तो एटलीस्ट मैडम को चश्मा पहना, अपने खुद पहन रहे हो, इतना मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि हेलमेट लेके चलना। 1000 रुपया मुश्किल से तुम्हारा बाइक है, तो शादी में मिला हुआ बाइक है क्या? तो ये बाइक तुम्हारा कम से कम 80-90 हज़ार का होगा। हेलमेट कितना में आता है? चश्मा पहना नहीं भूलोगे, हेलमेट लेना भूल जाना है, ठीक है? आप ही की पत्नी है वो जो हेलमेट ये डालने के लिए रखे हो क्या? आइए खोलो जी इसको। ये किस लिए लिए हो? गाड़ी में जो भी आदमी बैठे उसको समझाओ कि बगल में भी सीट बेल्ट है। ये तुम्हारा एयरबैग भी है इसमें? एयरबैग कब खुलता है पता है ना? तो आपने तो तुम सुरक्षित हो, चाचा को लेकर बैठ जाओगे, अगर एक्सीडेंट हो गया तो चले जाएंगे। सॉरी सर बोल रहे हो, इतना सारा लगाइए इसको, पहले लगाइए, खींचे उधर लगाओ, ठीक से सिखाओ इनको कैसे लगता है। ये आपके पति हैं? है तो समझाइएगा नहीं है, बताइए। ये अगर सही सलामत जाएंगे घर में तभी ना शोभा देगा सब कुछ। रास्ते में अगर किसी को हो गया, कुछ हो गया, कोई अगला गाड़ी टकरा गया तो ये तो खुलेगा ना, एयरबैग खुलेगा, सुरक्षित रहोगे, ठीक है? जब भी निकलो दोबारा ये समझा के निकलो, अपने अपने भी और साथ में भी। चलो ये जनाब है ना हेलमेट, जो लोग घर छोड़ करके आते हैं उनके लिए, ठीक है? इसको पहनिए, खुद सुरक्षित रहिए, परिवार वालों को भी सुरक्षित रखिए, ठीक है ना? आप अगर सुरक्षित रहोगे तो खुशियां बरकरार रहेगी घर की, रहेगी कि नहीं? बच्चे हमारे घर में वेट कर रहे होंगे, पापा गए हैं बाहर, तो सुरक्षित लौट के आएंगे। और एक नहीं, अगली बार से जब भी पहने ये आप ही के लिए है कि दोनों आदमी कोशिश करिए कि दोनों आदमी हेलमेट पर डाल देते हैं, तो नहीं होना चाहिए। चश्मा ड्राइवर हो? कितना आदमी बैठने का जगह है? तुम्हारा गाड़ी तो खाली है पीछे। अरे गाड़ी खाली है, नीचे उतरो बैठो। फालतू का करोगे बहसबाजी, तो नहीं समझ में आता है कि कहां से रखना। गाड़ी खाली जा रहा है फिर भी आदमी बैठा रखे ऊपर में, मत लेके जाओ, फिर गिर जाएगा एक आदमी, तो आप जा पाइएगा वहां पे? पावर का चश्मा है ना? पावर का चश्मा नहीं है ये, तो इससे ज्यादा जरूरी ये वाला। ओ दो चार छह तो तुम लोग इधर हो और चार बैठ को आगे, कितना सीट आगे? ये सब कौन है? लगन लेने गए थे तो गाड़ी में तकलीफ है, दूसरे गाड़ी को कर लेते। तुम्हारा सीट बेल्ट यहाँ, सीट बेल्ट लगाया कहाँ? चार चार आदमी बैठे हो आगे में और मुस्कुरा क्यों रहे हो? देख के तो लग नहीं रहे हो उस हिसाब से। चलो दो आदमी उतरो यहाँ से आगे से, गाड़ी अभी करेगा, भाड़े गाड़ी जाओगे सिमरिया। चलो उतरो, चलो नीचे उतरो, उतरो तुम लोग नीचे, नीचे उतरो। तो मैं क्यों बैठा हो? बकरे बच्चा है तो बैठाओ गाड़ी में, अगर सीट नहीं तो क्यों लेके बैठे हो इसमें? अरे वो अब गिर जाएगा छोटा सा बच्चा, वो उड़ जाएगा वहाँ से तुम जर्किन में, समझ में नहीं आता है क्या तुम लोग को? बकरी वो दोनों उतारो नीचे। कहाँ जा रहे हो? शिवपुर से ऐसे ही? ये फटा हुआ है तुम्हारा ये कि गिरे हो? नहीं फटा, ये तो देख के लग रहा है गिरा है यार। स्टाइल काट दिए। स्टाइल अपने से काटे हो? अच्छा अच्छा के लिए ये। हाँ सर बोल रहे हो, पहनो चश्मा, नहीं छूटना चाहिए लेकिन हेलमेट छूट जाएगा। दोबारा जब भी आओ तो ये चीज नहीं दिखना चाहिए हमारे पास, ठीक है? समझ में आ गया कि नहीं? तुम ड्राइवर हो? कितना आदमी बैठने का जगह है? तुम्हारा गाड़ी तो खाली है पीछे। अरे गाड़ी खाली है, नीचे उतरो, नीचे उतरो, चलो नीचे उतरो बैठो। समझ में नहीं आता है तुम लोग को, एक आदमी कहीं जर्किन में गिरे तो सब फेंका जाओगे ऊपर से। और आप लोग गार्जियन है लोग का? आपका बच्चा आपका बात नहीं सुनेगा, फालतू का करोगे बहसबाजी, तो नहीं समझ में आता है कि कहाँ से रखना। गाड़ी खाली जा रहा है फिर भी आदमी बैठा रखे ऊपर में, मत लेके जाओ, फिर गिर जाएगा एक आदमी, तो आप जा पाइएगा वहाँ पे? जब बैठा हुआ छोटा छोटा बच्चा लोग है, कभी हाथ छूट जाए, कभी क्या हो जाए। हेलमेट नहीं लिए हो? हेलमेट रखा करो। पावर का चश्मा है ना? पावर का चश्मा नहीं है ये, तो इससे ज्यादा जरूरी है वाला, समझ गए कि नहीं?
ये आज हम लोग दे रहे हैं अपने प्रशासन की तरफ से, लेकिन इसे ध्यान रखो जब भी निकलोगे इसको डाल के निकलोगे, गिर गए कहीं कोई अगली गाड़ी मार दिया तो इतने ये तुम्हारा माथे को ये बचाएगा कि नहीं, तो सुरक्षित रहोगे तभी तो सब कुछ है। अभी ज़्यादा बेटर अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, सही सलामत आप घर तक जाओ, बढ़िया सब इसका अपना खोल करके, लेकिन ध्यान रखो घर से निकलने के बाद याद रखो हेलमेट को रखो दरवाजे के ऊपर, और जब भी निकलो तो ध्यान पड़ जाए कि बाहर निकल रहे तो हेलमेट डाल लें। ओ दो चार छः तो तुम लोग इधर हो और चार बैठ को आगे, कितना सीट आगे, ये सब कौन है, लगन लेने गए थे तो गाड़ी में तकलीफ है दूसरे गाड़ी को कर लेते, तुम्हारा सीट बेल्ट यहाँ सीट बेल्ट लगाया कहाँ, चार आदमी बैठे हो आगे में और मुस्कुरा क्यों रहे हो, देख के तो लग नहीं रहे उस हिसाब से। चलो दो आदमी उतरो यहाँ से आगे से, गाड़ी अभी करेगा भाड़े गाड़ी जाओ सिमरिया, चलो उतरो, चलो नीचे उतरो, उतरो तुम लोग नीचे, नीचे उतरो, मधुबक्खी है, चलो निकल रहे यहाँ से। जूता पहनना आपने नहीं भूला, ये टी शर्ट वगैरह ये सब डालना नहीं भूला, लेकिन हेलमेट लेना भूल गए, लेकिन माथा का सुरक्षित नहीं रहेगा तो कैसे पहुँचोगे यार घर तक, कौन लगती है आपकी वाइफ है तो आपको तो और जरूरी है ना सिखाना, अरे जब ही घर से निकलता है एटलीस्ट समझाइएगा ना उनको, कितने दिन हो गए शादी हुई है, 6 ही महीना हुआ है, तो यार सुरक्षित रखो ना कम से कम, घर से निकल रहा था हेलमेट डालो, रखे हो कि नहीं रखते हेलमेट घर, तो फिर अभी खड़ा कर देंगे, जाके हेलमेट मंगवा फिर किसी से तब हम जाने देंगे, चल गिर जाओगे चोट लग जाएगा माथे में बिना मतलब का ये हो जाएगा, फिर आओगे रोड पे जाम करने के लिए, बढ़िया अच्छा लगा, सरकारी आदमी कम से कम रूल को फॉलो करे, और जो अपना ऑफिस में और जो अगल बगल दिखता है ना लोग उनको भी समझाओ हेलमेट लगा के चलना बढ़िया से। ऊपर में क्यों बैठा हो, बच्चा है, बकरे बच्चा है तो बैठाओ गाड़ी में, अगर सीट नहीं तो क्यों लेके बैठे हो इसमें, अरे वो अब गिर जाएगा छोटा सा बच्चा वो उड़ जाएगा वहाँ से, तुम जर्किन में समझ में नहीं आता है क्या तुम लोग को, बकरी वो दोनों उतारो नीचे, नीचे उतारो उसमें गाड़ी में डालो, साइड कर लेते हैं, साइड करो और पहले ठीक करो दुरुस्त करो उसको, गाड़ी को एकदम नीचे डालो उसमें, उसके बाद निकलो, चलो ये हेलमेट आप ऐसे ही पहन के चलिए, और घर परिवार अगर आप किसी को गाड़ी देते हो तो उसको भी दे करके भेजना है, सुरक्षित रहना है, ठीक है, लेकिन एक काम और कर लो, हेलमेट को बदल लेना है, हेलमेट क्यों, कोई परेशानी हेलमेट पहनने में, ये खराब हो जाएगा सर, अगर आप सुरक्षित रहिएगा बढ़िया से रहिएगा, आइएगा जैसे आए हैं वैसे चले जाइए घर, तो इससे बड़ा खुशहाली वाला क्या बात हो जाएगा, जानते हैं इतना ज़्यादा रोड में गाड़ी चलती है कभी कोई लपेट के चला जाए, ये हमारे प्रशासन की तरफ से आप हमको, आप अब तक खरीदे नहीं लेकिन हम दे रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि जब भी आप घर से निकलेंगे तो इसको डाल के चलेंगे, ठीक है ना, एकदम इसको डाल के चलिए बिना कुछ सोचे ही, ये आपके लिए इसलिए दे रहे हैं हम लोग कि आप हेलमेट डाल के चल रहे हैं, ठीक है, अच्छा हेलमेट है, लेकिन ये जो आप खोल के चलो ये ठीक नहीं है, और लगाइए उसको, कहाँ जा रहे हो, शिवपुर से ऐसे ही, ये फटा हुआ है तुम्हारा ये कि गिरे हो, ये तो देख के लग रहा गिरा है यार, स्टाइल अपने से काटे हो, अच्छा तो हेलमेट लेना जरूरी नहीं समझा, सबसे पहले हेलमेट खरीदो जाकर, ये वाला जो है ना खाली हमको दिखाने के लिए मत रखो, दूल्हा हो नहीं, हाँ भाई हो, दूल्हा क्या भाई, तुम दूल्हा का भाई हो तो इसीलिए तो टसल में हो क्या, नहीं नहीं हाँ? फिर वैसे लगा फालतू जैसा, ठीक से लगाओ पहले सीट बेल्ट लगाओ, उसको सिखाओ पहले सीट बेल्ट लगाओ, दूल्हा भाई तुमको ज्यादा सुरक्षित रहना है, फिर वैसे कर रहे हो, इतना भी पता नहीं तुमको, इसको ढंग से लगाओ, लो आज ये फूल दे रहे हैं, ऐसे ही पहन के चलो हमेशा, सुरक्षित रहो ठीक है ना, हाँ लेकिन याद रखना कि हेलमेट ये जो हेडफोन वगैरह ये डाल के गर्दन में मत चलना, अरे जो तुम इधर रखे हो जो हेलमेट ये डालने के लिए रखे हो क्या, ये खोलो जी इसको, ये किस लिए हो, अरे तो इसका सुरक्षा के लिए है ये, हाँ सर बोल रहे हो पहनो, चश्मा नहीं छूटना चाहिए लेकिन हेलमेट छूट जाएगा, दोबारा जब भी आओ तो ये चीज नहीं दिखना चाहिए हमारे पास, ठीक है समझ में आ गया कि नहीं, आप हेलमेट पहन के चल रहे हैं इसी में दे रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे याद रखिए कि हमको हेलमेट पहन के चलना है, ठीक है, एक और कोशिश एक और करना है कि जो पीछे बैठते हैं उनको भी आदत दिलवाइए, दूसरा नहीं ले पाए आप ही लेकर रखे दो हेलमेट, सीट बेल्ट पुलिस को देखोगे तब लगाओ, नहीं सर ऑलरेडी लगा के आ रहा था, चलो बहुत बढ़िया, हम नहीं लगाए, कौन नहीं लगा था, तो दोनों को लगा के चलना है, सुरक्षित रहोगे सतर्क रहोगे जागरूक रहोगे, मान लो कि तुम्हारा जब तक ये लगा हुआ आपका ना सीट बेल्ट तभी तक आपका एयर बैग भी खुलेगा, पता है ना, ये सब नॉलेज है, ये पता चलेगा चलते चलते एक्सीडेंट कर जाएंगे ये बच जाएंगे आप चले जाओ, वीडियो देखे भी है पहले से, नहीं देखो यार तो कम से कम इसको फॉलो करो, ठीक है ना, बहुत बढ़िया है देखे हुए, तो एक फूल दे दीजिए इनको भी, इसलिए है कि आप नियम का हेलमेट पहन के चल रहे हो, ठीक है ना, पेपर सेपर सब लेकर के चलिए, ऐसे हेलमेट पहन के चलिए, ये है हमारे तरफ से, ठीक है, ये गिफ्ट नहीं है, ये क्या है, सीख है एक तरह से, सुरक्षा तो है ही, आप सुरक्षित रहिएगा तो परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो परेशानी इतनी बढ़ जाएगी कि ये
बाल बच्चों को देखने वाला कोई रहेगा नहीं, और इसको इसी तरह डाले रखिए जब भी घर से बाहर निकलते हैं, ठीक है ना। बढ़िया से लगाइए इसको, इसको ये मत समझ लीजिए पुलिस वाला क्या अगला दिन हेलमेट मिल गया तो हमको गिफ्ट मिल गया इसको। आप हेलमेट पहन के जा रहे हैं कर्मचारी, अच्छा लगा। चलिए मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने बारे में भी सोच रहे हैं, अपने परिवार के बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है ना। इसके लिए बढ़िया से और भी आप कोशिश करिए कि दूसरा आदमी भी हेलमेट पहन के चले, सुरक्षित जाओ। जा रहे हो गमी में तो कहीं एक और गम नहीं आ जाए, बता नहीं रहे हैं तो समझा रहे हैं तो समझिए उसको, ठीक है ना। बहुत बहुत बधाई, आप रूल को फॉलो कर रहे हैं, अपना हेलमेट लगा के चला, ठीक है। आप अपने सुरक्षित हैं तभी घर परिवार में सब कुछ, ठीक है ना। हाँ गाड़ी लगाइए उधर, हेलमेट जल्दी जल्दी फटाक से जाइए घर और हेलमेट लेकर आइए, बिना हेलमेट गाड़ी नहीं जाएगा। चलिए वहाँ लगाइए आराम से, सब कुछ ठीक है जनाब। लेकिन जो ये रखे है ना इसको, इसको बैग को या तो पीछे रखिए या पीछे बांधिए भी उतर के, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन लीजिए, ठीक है ना। सेफ हो कुछ नहीं होता है, पीछे लटकाइए। बहुत अच्छी बात है कि आपने हेलमेट पहना है, लेकिन ये गाड़ी आप मोड़ोगे तो ये हैंडल फोल्ड ही नहीं होगा कभी। पीछे बांधिए जनाब, नहीं समझे नहीं उतरिए, पीछे बांधिए जी। नहीं बन रहा कुछ भी हो लेकिन पीछे बांधिए उतर के, ठीक है। गाड़ी खड़ा करिए, जब हम बोल रहे हैं तो कुछ सोच के बोल रहे हैं, ठीक है। गाड़ी खड़ा करिए और पीछे बांधिए, उसके बाद निकलिए आराम से। थोड़ा नीचे करिए रोड से, गाड़ी लगाइए। एक आदमी जाकर हेलमेट लेकर जाओ, बहुत अच्छी बात है। अगर घर में हेलमेट है तो लेकर के पहन के दिखाना, उसके बाद जाना है। जितना जल्दी मंगा सकते हो, आदत में शुमार कर लीजिए इसको कि पुलिस वाले रोड पे खड़ा है सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए, ठीक है। और आपका सुरक्षा आपके अपने हाथ में है, आप सतर्क रहिएगा, बचिएगा। परेशानी बढ़ जाएगी अगर गिर जाइएगा, माथा में चोट लग जाएगा, ठीक है। और किसी के लिए हम लोग नहीं खड़े हैं, जल्दी से मंगवाइए, पहनिए और निकलिएगा। अच्छा लगा देख करके आपने हेलमेट पहना है और दो ही लोड है, ठीक है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रशासन की तरफ से, ठीक है। चलिए देखिए और अपने भी जागरूक होइए, लोगों को जागरूक भी करना है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो माथा है उसको बचाना बहुत जरूरी है, गिरेंगे चोट लगेगा क्या होगा उसका कोई पता नहीं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश ये करिए कि दूसरा आदमी भी बैठा हुआ है इसको भी हेलमेट पहनवाना है। मेहमानी जा रहे थे तो क्या हो गया, कहाँ घर है। गाड़ी लगाइए वहाँ पे आगे में, गाड़ी लगाइए, जाके सिमरिया से हेलमेट मंगवाइए जो घर में रखा हुआ है। जल्दी आगे लगे जहाँ आगे गाड़ी लगी हुई है, आप हेलमेट लगा के चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ओके वेलकम, बढ़िया जाइए ऐसे ही, ठीक है। ये आपके बगल में भी सीट बेल्ट है चचा, ये इसको सीट बेल्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तुम ड्राइवर हो ना, मालिक भी हो, अरे तो समझाओगे ना यार, क्या हाँ हाँ कर रहे हो। लगाए थे फ्रूट लेने के लिए, फालतू की बात बता रहे हो, इनको पता नहीं है सीट बेल्ट यहाँ पे, नहीं पता है ना। गाड़ी में जो भी आदमी बैठे उसको समझाओ कि बगल में भी सीट बेल्ट है। ये तुम्हारा एयरबैग भी है इसमें, एयरबैग कब खुलता है पता है ना। तो आपने तो तुम सुरक्षित हो, चाचा को लेकर बैठ जाओगे, अगर एक्सीडेंट हो गया तो चले जाएंगे। सॉरी सर बोल रहे हो, इतना सारा लगाइए इसको, पहले लगाइए, खींचे उधर लगाओ, ठीक से सिखाओ इनको कैसे लगता है। ये आपके पति हैं, है तो समझाइएगा नहीं, है बताइए। ये अगर सही सलामत जाएंगे घर में तभी ना शोभा देगा सब कुछ। रास्ते में अगर किसी को हो गया, कुछ हो गया, कोई अगला गाड़ी टकरा गया, तो ये तो खुलेगा ना, एयरबैग खुलेगा, सुरक्षित रहोगे, ठीक है। जब भी निकलो दोबारा ये समझा के निकलो, अपने अपने भी और साथ में भी। चलो ये जनाब है ना हेलमेट, जो लोग घर छोड़ करके आते हैं उनके लिए, ठीक है। इसको पहनिए, खुद सुरक्षित रहिए, परिवार वालों को भी सुरक्षित रखिए, ठीक है ना। आप अगर सुरक्षित रहोगे तो खुशियां बरकरार रहेगी घर की, रहेगी कि नहीं। बच्चे हमारे घर में वेट कर रहे होंगे, पापा गए हैं बाहर तो सुरक्षित लौट के आएंगे। और एक नहीं, अगली बार से जब भी पहने ये आप ही के लिए है कि दोनों आदमी कोशिश करिए कि दोनों आदमी हेलमेट पर डाल कर जाए, नहीं होना चाहिए। चश्मा लेना तो भूले नहीं, तुम दो दो चश्मा लेके चल रहे हो, मैडम का है तो एटलीस्ट मैडम को चश्मा पहना, अपने खुद पहन रहे हो, इतना मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि हेलमेट लेके चलना। और सुरक्षित रहोगे तभी ना सब कुछ है यार। जी सर बता रहे हो यार, बताने का जरूरत है, रोड पे हम लोग खड़ा होकर समझाएंगे कि ये करो। अरे आपसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है ना। घर से निकलते हैं तो उनको दे के भेजिए हेलमेट, आप याद दिलाओ ना, इतना तो कर ही सकते हो। हम लोग को रोड पे खड़ा होकर समझाना पड़ता है हेलमेट पहन के चलो, गिरोगे तो क्या करोगे। 1000 रुपया मुश्किल से तुम्हारा बाइक है, तो शादी में मिला हुआ बाइक है क्या। तो ये बाइक तुम्हारा कम से कम 80-90 हज़ार का होगा, हेलमेट कितना में आता है, मुश्किल से 1000 रुपया का। एक बार गिर गए कहीं तो पता है कितना खर्चा होता है उसमें, और परिवार वाले को कितना दुख होगा पता है ना। तो हाँ हाँ मतलब मत बताइए हमको, घर से निकलता समझाइए, कोई भी बाल बच्चा घर से निकलता उसको बोलिए हेलमेट याद करके। एक के जगह में 4 हेलमेट रखिए ना घर में रख के, क्या दिक्कत। अभी खड़ा कर देंगे फिर हम हेलमेट मंगवाएंगे, बोलेगे सिमरिया खरीद के लाओ,
तो अच्छा लगेगा तो बताइए, जा रहे हो तो एटलीस्ट इतना रहे, जब भी निकले तो याद दिलाओ कि हेलमेट पहन के चलो। चश्मा पहना नहीं भूलोगे, हेलमेट लेना भूल जाना है, ठीक है? आप ही की पत्नी है वो, सरेन डाक जा रहे हैं, मतलब एकदम प्लान करके चलना है कि तुमको सुरक्षित किसी भी हिसाब से सरेन डाक तक नहीं पहुंचना है, गिर ही जाना है। आप कौन है इनके? हुआ है तो ध्यान रखिएगा ना, गाड़ी लियो, हेलमेट लियो कि नहीं? नहीं लियो। अरे एक बार माथा में गिरेगा, चोट लग जाएगा तो पता है तुमको 50 से 60 हज़ार रुपये बिना मतलब खर्चा होगा। बचोगे कि नहीं बचोगे उसका भी कोई गारंटी तो है नहीं, हाँ कोई गारंटी नहीं। आप हमको बता रहे हैं, बताइए ये आप अपना ये इसको बताइए भतीजे को, गिर जाओगे तो कम से कम 50,000-1,00,000 रुपये में भी ठीक नहीं हो पाओगे, वो भी गारंटी नहीं है। पहले भी गिरे हुए लग रहे हो क्या बाइक बाइक से? हाँ चलो, अभी हम हेलमेट दे रहे हैं एक तरफ, लेकिन याद रखो कि अपना अपना ही का सुरक्षा है, अपने हाथ में है। सुरक्षित रहोगे ऐसे संकल्प लेके जाना है कि घर से कभी निकलेगा तो बिना हेलमेट के नहीं भेजना है, समझ में आ गया? पत्नी हो ना, जब भी घर से निकलो तो ध्यान रखो, उसको बता के निकलो कि निकाल के हाथ में दो, पहले के हेलमेट लेके जाओ।